सो हेलो एंड वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल डीजे राजा के डब्ल्यू डी। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूप बेस के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर कि क्या हमें स्कूप बेस खरीदना चाहिए कि हमें डुअल बेस खरीदना चाहिए। सो गाइस यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैंने बहुत सारा स्कूप बेस देखा है और उसको बजाया भी है और क्या रिजल्ट है ये भी मुझे अच्छे से पता है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि स्कूप बेस का नेगेटिव पॉइंट क्या है, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप कम बजट में स्कूप बेस लेके बहुत बड़ा सेटअप बना सकते हो। जैसे कि 4 स्कूप लेते हो तो वो 8 बेस जैसा दिखता है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो अच्छा खासा बच जाता है, मतलब बहुत अच्छे से बचता है ये स्कूप बेस, ये इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है आपको काफ़ी अच्छा बड़ा सेटअप जैसा फील देता है ये जो स्कूप बेस है, मतलब आप लोग समझ सकते हो 4 ही स्पीकर लगा रहता है लेकिन बहुत बड़ा सेटअप ये लगता है। तो और भी इसके कुछ बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि आप एक ही जनरेटर से इसे ऑपरेट कर सकते हो, प्लस आपको एक ही एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, एक एम्पलीफायर इसके लिए एक टॉप के लिए, तो बहुत कम चीज़ें लगती है अगर ये सेटअप आप लोग खरीदते हो। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। सो गाइस आजकल के जो कस्टमर हैं जो डीजे लगवाते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। वो अगर आपको बोलते हैं 8 बेस चाहिए मुझे तो वो बजवा तो लेंगे, आप कितना बजा रहे हो कि 8 बेस से ज़्यादा आपका स्पीकर बजेगा फिर भी उसको उनसे मतलब नहीं है, उसको स्पीकर से मतलब होता है कि आपने 8 बेस बोला है, 8 बेस नहीं लाया है, ये स्कूप बेस है, 4 बेस है, आप 4 बेस हम लोगों को चूतिया बना रहे हो, ऐसा टाइप का उन लोग बोल देते हैं। ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं पे, तो आपका जो पेमेंट है वो कट भी सकता है इससे, अगर कस्टमर पैसा भी काट देता है। ये हो गया पहला इसके नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है स्कूप बेस जब आप स्टार्टिंग में लिए रहोगे, जब आप डीजे स्टार्ट करोगे और जब आप शुरू बजाओगे स्टार्टिंग में 2, 3, 4, 15, 20 बुकिंग जो भी आप बुकिंग करते हो बहुत अच्छे से बजेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, बूम बूम मज़ा आएगा आपको एकदम बजाने में। लेकिन वही स्पीकर एकाध बार उड़ जाता है या तो फिर धीरे धीरे पुराना होते जाता है तो वही स्कूप बेस अच्छा नहीं बजता है। टिकल देख लेना आप लोग कि आप एक स्कूप में नया स्पीकर लगाना और उसके बाद आप एक साल का चला हुआ स्पीकर लगाना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि स्कूप बेस को आप लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर सकते, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। स्कूप बेस को आप मतलब लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। वही बात डुअल की करें तो डुअल को आप एक लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 साल 3 साल आराम से चला सकते हो। लेकिन स्कूप बेस को अगर आप लोग 2 साल 3 साल चलाते हो तो कहीं ना कहीं वो कम बजने लगता है धीरे धीरे। अब एक ही स्पीकर रहता है डिब्बे में, एक ही स्पीकर रहता है, प्लस वो धीरे धीरे बजते जाता है, उसके स्पाइडर वगैरह ढीला होते जाता है तो वो उतना अच्छा पंच नहीं देता है। ये आप लोग ये हैं इसके नेगेटिव पॉइंट। ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बजता है स्कूप बेस लेकिन बाद में कम हो जाता है। और एक बात और, जैसे कि अगर आप लोग 4 स्कूप लगाए हुए हैं, 4 स्कूप लगाए हैं, मान लीजिए आपका 2 स्कूप एक स्पीकर उड़ जाता है और एक स्पीकर और उड़ जाता है, 2 स्कूप उड़ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पब्लिक को संभालने में, क्योंकि 2 ही स्पीकर बजेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप लोग 8 बेस लगाए हुए हैं और 2 स्पीकर बंद हो जाता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसका 2 स्पीकर बंद है। तो 8 बेस का ये बात है कि 8 बेस को आप लोग मैनेज करके आप लोग चला लोगे, लेकिन स्कूप बेस में ऐसा नहीं होगा। अगर 2 स्पीकर उड़ जाता है तो बहुत कम बेस हो जाएगा और लोगों को मज़ा नहीं आता है, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। सो गाइस यही है इसके नेगेटिव पॉइंट। और ये जो स्पीकर है, मतलब ये जो स्कूप बेस है, ये मतलब अभी जैसे आप लोग स्टार्टिंग में अच्छा लगता है उसके बाद धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास 2 स्कूप बेस हैं, मैं उसको जब स्टार्टिंग लिया था तो काफ़ी अच्छा बजा, लेकिन धीरे धीरे अब उसको बजा रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं कहीं भी लगाता हूँ तो अपना डुअल लगाता हूँ, स्कूप बेस नहीं लगाता हूँ।
एक बात और, अगर मैंने कहीं पे स्कूप बेस लगाया है, दो ही स्कूप बेस लगाया है और एक ही स्पीकर उड़ भी उड़ जाता है, तो मतलब एक ही स्पीकर बजेगा तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंझट हो जाता है लोगों के साथ, पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगेगी आप लोगों के ऊपर कि भाई बेस बढ़ाओ बेस बढ़ाओ। और अगर आप लोग डुअल लगाए हो, दो डुअल लगाए हो, बाई चांस एक स्पीकर उड़ भी जाता है तो लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बेस में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मैनेज कर लोगे आराम से, आपका जो काम है वो निपट जाएगा। तो स्कूप बेस के बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आप लोग चला रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और बहुत सारी इसकी अच्छाई भी है, ये भी ये नहीं बोलूँगा कि स्कूप बेस एकदम ख़राब है या इसे लेना चाहिए चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। स्कूप बेस को आप ख़रीद सकते हो, बजा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो स्कूप बेस की जो स्पीकर है और जो कैबिनेट है, कैबिनेट हैवी क्वालिटी का यूज़ करिए, और जो स्पीकर है उसे हर साल चेंज करते रहिए, तभी आपका स्कूप बेस अच्छे से चलेगा और मज़ा आएगा। तो ये थे स्कूप बेस हमें लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग आप वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बेस लेना है, लेकिन आप यहाँ पे चार स्कूप बजाइए और आप चार डुअल बजाइए या तो फिर चार LF बजाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्कूप लेना चाहिए या फिर डुअल आर्ट बेस लेना चाहिए। तो यहाँ पे डुअल आर्ट बेस का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन स्कूप बेस थोड़ा सा कम रेंज में आ जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।